मंत्री आर के सिंह पहुंचे गुना, जहां स्थानीय एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। इसके साथ ही सबरीमाला मंदिर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये वहां के लोगों की आस्था का विषय है, इसमें हमारा कुछ नहीं। वहीं मुलायम सिंह के बयान के बारे में कहा कि वो तो पहले ही मालूम है कि सरकार किसकी बनेगी, इसलिए उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया। वहीं गठबंधन के मामले में कांग्रेस की मजबूरी है ये कहा। वहीं कांग्रेस गठबंधन कर रही है क्योंकि जिस पार्टी के ध्रुव विरोधी हैं उन्हीं पार्टियों के साथ उसने गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश में अनुकूल सत्ता पाने के लिए उनके द्वारा गठबंधन किया जा रहा है। हमारे यहाँ हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ रोजगार हो रहा है, छोटा उद्योग सही होकर के बड़े उद्योग से, लेकिन कठिनाई इधर ये हो गई है कि हमारे यहाँ या AMU में हुई, इसके कारण हमें बहुत दुख होता है, हम लोग बहुत आहत होते हैं, तो इस संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिए। नंबर वन था ये। दूसरा सुझाव ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन, देखिए वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई है, लेफ्ट से लड़ाई है, हमसे। उन्होंने अपने यहाँ बैठक की तो ये लोग गए, लेकिन कल पार्लर बताया जी, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि किसको वोट करना है। वो न ये देश के लिए, न तो मायावती को वोट करेगी, न अखिलेश को, वो लोग देश चलाने लायक है ही नहीं, देश के लिए वो वोट करेंगे नरेंद्र मोदी। नहीं तो कोई गुप्त समझौता है क्या? सर आपने राम मंदिर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला और वो आपके आस्था का विषय है, पर मेरा सवाल यह है कि फिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपकी पार्टी के द्वारा क्यों नहीं माना जाता और क्यों उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को हट के तब न किया, ये हमारी पार्टी का कोई नीति नहीं जी। सर गुना